बहादुरगढ़ की अनस्यान नहर में डूबे तीन युवकों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि नहर में बहे युवकों के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने समय पर गोताखोरों को नहीं बुलाया और रात से ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी युवकों के परिजनों को दिलासा देते रहे, लेकिन गोताखोर समय पर नहीं पहुंचे। अगर समय पर मदद मिलती तो पानी में बहे तीन युवकों को सकुशल समय पर बाहर निकाला जा सकता। माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा जो नहर में कम पानी करने के लिए पीछे संदेश भेज दिया है सरकार को, नहर का पानी भी आप देख रहे हो कम से कम शायद 8-9 इंच उतर गया है। और पुलिस की जो गोताखोर की टीम है वो सुबह से 7 बजे से गोता लगा के बार बार तलाश कर रही है, और पुलिस प्रशासन आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ खड़ा है। माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी भी यहाँ मौके पर हैं। जब तक डेड बॉडी नहीं मिल पाऊंगी तब तक पूरा प्रशासन पूरा जोर लगाए हुए है। और आज सुबह एक मिला है सर? हाँ, सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक लड़का जिसका नाम गौरव था उसकी डेड बॉडी मिल गई है। वो निकाल के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। लेकिन नहीं दिया ऐसा है कि वो ये कोई त्यौहार था, कल अचानक कोई बगैर सूचना कोई बगैर परमिशन के अचानक ही नहर में मूर्ति विसर्जन के लिए लड़के आ गए, तो नहर को परमिशन ले रखी थी। इस नहर में तो आपको पता है यहाँ तो लाउड तो है ही नहीं, इस नहर में तो घुसना पानी निकलना लाउड नहीं है। बगैर परमिशन के वो अचानक आके नहर में उन्हें गोता लगा दिया। उसमें पानी का ज़्यादा भाव है, 10-12 फुट तक पानी चला हुआ है। उसमें उनको कुछ पता नहीं है कि दो बच्चे को तो तैरना भी नहीं आ रहा था, एक को तैरना आ रहा था, ज्यादा पानी होने के कारण डूब गए। लेकिन तो चेतावनी का कोई बोर्ड भी तो नहीं है? चेतावनी तो इसमें प्रतिबंधित है कि बिल्कुल पीछे जो है पिछले रोड पे लगी भी हुई है। आप देखोगे रोड से जो फैक्ट्री में जाता है, क्योंकि वहाँ ज्यादा चांस होती है, यहाँ तो चांस भी नहीं होते घुसने के, कोई पेड़ियाँ भी नहीं है। वैसे अचानक अगर कोई आदमी कूद जाता तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो आगे एहतियाती कदम उठाएंगे? आगे एहतियात के तौर पर यहाँ बोर्ड भी लगवाएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ ग्रिलिंग भी करवाएं और ड्यूटी भी कोशिश करेंगे प्रशासन से, किसी किसी की गश्त पुलिस की गश्त यहाँ होगी और जो है पूरा प्रशासन इस परिवार के इन बच्चों के साथ है। जब तक ये नहीं मिल जाते तब तक प्रशासन चैन की नींद नहीं बैठ पाएगा।